क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों के अनुसार मंडी जिला तीसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि विभाग के पास 5000 तक के मरीजों को सही उपचार देने की उचित व्यवस्था है और विभाग महामारी से लड़ने के लिए दिन रात जुटा हुआ है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि इस महामारी के दौरान जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लोग इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि महामारी के तहत बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करें। हिमाचल में तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर सोलन में 3000 से ज़्यादा केसेज हैं, दूसरे स्थान पर कांगड़ा का स्थान है, वहाँ पर 2600 के करीब केसेज हैं और हमारे भी 2145 केसेज हैं। तो प्रोपोर्शनेटली जनसंख्या के हिसाब से कांगड़ा बड़ा जिला है, तो जितने केसेज हमारे पास आने चाहिए प्रोपोर्शनेटली तो उतने ही हैं, परंतु अभी तक हम ये नहीं सोच सकते कि कोरोना अभी हम कोरोना मुक्त होने जा रहे हैं, क्योंकि अभी पीक आ रहा है, हो सकता है 1-2 महीने तक प्लेटू बना रहे, उसके बाद इसमें फिर केसेज की कमी आएगी। परंतु हमारी पूरी तैयारी है, केसेज जितने ज़्यादा आ जाए, 5000 केसेज भी अगर पॉजिटिव यहाँ पर नए आ जाते हैं, उनको भी फेस करने के लिए, कोप अप करने के लिए हमारे पास पूरी सुविधा है और जो हमारी मशीनरी है, जो हमारी मैन पावर है और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिला प्रशासन के साथ भी हमारा अच्छा तालमेल है और जो पूरा अगला जो रोड मैप है वो जिला प्रशासन के साथ मिलकर हमने तय किया हुआ है, तो हमें नहीं लगता कि हम किसी तरह से हमारी कोई कमी है और हम इसको कोप अप नहीं कर पाएंगे। हमारी पूरी तरह से तैयारी, समय से ये देखने में आया है कि जब से अनलॉक शुरू हुए हमारे, अनलॉक 1, 2, 3, 4 और इवन जब अनलॉक 5 शुरू हुआ, तो हम देखने में आ रहा है कि हमारी थोड़ी सैंपलिंग में भी कमी आ रही है और जो हमारे जनता है थोड़ी सी उतनी गंभीरता भी देखने में नहीं में मिल रही है, थोड़ी लापरवाही भी हो रही है, जो सैंपलिंग है उस सैंपलिंग में भी सैंपल देने में भी उतने उत्साहित नहीं है। और हमने ये देखा कि अनलॉक आने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि अब पैंडेमिक ख़त्म हो चुका है, तो पैंडेमिक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमें अपने हायर अथॉरिटी से भी दिशा निर्देश है कि इस चीज़ को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए और जो हमारा एक एक्टिविटी चली है वो अभी चलती रहे, क्योंकि अभी हमारा पीक आने वाला है या लगभग आ ही चुका है, तो एक एक्सटेंसिव आईसी कंपेन चलाने की ज़रूरत पाई गई। तो हम आज से 14 तारीख से एक एक्सटेंसिव आईसी कंपेन लॉन्च कर रहे हैं, तो हमने पहला इस दिशा में पहला स्टेप मैंने यही सोचा कि जो हमारे मंडी जिला में मीडिया है उनके साथ रूबरू हुआ जाए और यहीं से इसकी शुरुआत की जाए। मंडी जिला की जो आज तक की जो ताज़ा स्थिति है उसमें 2145 केस यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिसमें से 1705 इलाज लेके अपने घर स्वस्थ होके जा चुके हैं और 380 केसेज जो हैं आज भी जिला में एक्टिव हैं और 30 लोगों की यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो चुकी है। और ये जो डेथ्स हुई है इसमें ये सभी कोरोना पॉजिटिव थे, परंतु इनकी कुछ कोमॉर्बिडिटी साथ में थी, जैसे कोई ना कोई इनमें तकलीफ थी, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर या हार्ट अटैक वाली जो तकलीफें थी, तो ये सभी के सभी रोगी कोमॉर्बिडिटी वाले रोगी थे। कैंपेन सर किस तरह का चलाया जा रहा है, क्या नाम है, क्या